नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। काशी में चलाइएगा। कल उद्घाटन होगा, थोड़ा जोर से बोलिए, 3:30 बजे उपस्थित हमारे गुरु जी आत्म प्रकाश जी एवं पवन भाई जी के नेतृत्व में है, और हमारे विशेष अतिथि भी रहेंगे, उनके द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन। काफी दिनों से प्रयास चल रहा था, 2016 में हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की थी, दुर्गा चंडी पाठ कर आरंभ हुआ। पहले हम लोगों ने यहाँ शिविर लगा, फिर शिविर लगा एवं कैंसर की जांच के लिए हम लोगों ने गाड़ी बुलाई, 3 बार हम लोगों ने कैंसर की जांच भी करवाई गाड़ी बुलाकर। काफ़ी लोग हम लोगों के अंचल के जो थे उनको उससे अवगत कराया गया और सब पूर्ण रहा। अब हमारे भाई जी को मैं कहूँगा इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहने के लिए, फिर हमारे डॉक्टर साहब से आप सभी प्रेस बंधुओं का गुरु गोपीराम हॉस्पिटल में स्वागत है। आप लोगों ने अपना अनमोल समय दे करके इस हॉस्पिटल के शुरुआत होने में जो मदद कर रहे हैं, ये आपकी अहम भूमिका है। और कल 3 बजे से हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। गुरु श्री गोपीराम जी जोशी के आशीर्वाद एवं कृपा से जो सपना हम लोगों ने 2014 में देखा, उसकी शुरुआत होते हुए 2019 में हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया था, और 2021 कल 16 फरवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। कल 3 बजे से मंच पे गुरुवर श्री पवन भाई जी एवं महामंडलेश्वर आत्मानंद जी सरस्वती जी मंच पे विराजमान होकर के, और हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर एवं स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा इसका उद्घाटन होगा एवं कल से OPD की शुरुआत हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे केरला से आए हुए CEO के पोस्ट पे डॉक्टर मंजुनाथन जी हॉस्पिटल का पूरा कार्यभार संभालते हुए, डॉक्टर पुनीत जी हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथिक का भाग संभालते हुए, डॉक्टर स्वाति जी हमारे यहाँ पे ITO पोस्ट पे, अमित जी और सभी ट्रस्टीगण मिल करके, और सभी ट्रस्टी मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे ट्रेजर साहब एस जी अग्रवाल, प्रेस वार्ता, मीडिया वार्ता के सहयोग से ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। राम राम, जय बाबा की। अगर ये बोला जाए कि गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, तो मेरे को लगता है ये शब्द पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक सपना है, एक सोच है, और हजारों की जो तकलीफ है उसके विनिमय ये खड़ा हुआ है। यहाँ से हजारों पेशेंट साउथ इंडिया जा रहे हैं,
यहाँ से जाने के पहले उनकी जो तकलीफ होती है वहाँ पे जाके लैंग्वेज बैरियर को जो उन्हें फेस करना पड़ता है, और वहाँ से आने के बाद अगर कोई चीज़ 19-20 रही तो वो कैसे फिर से वहाँ तक पहुँचे, ये जो सोच, ये जो तकलीफ है, इसके लिए ये हॉस्पिटल खड़ा हो रहा है। इसमें सिर्फ ट्रस्टी या कुछ डॉक्टर का प्रयास कभी भी इस हॉस्पिटल को कोई भी तरह का सक्सेस नहीं दे सकता। इसमें आप सबका भरोसा और आप सबका साथ अगर हमारे साथ जुड़ा रहे कि यहाँ के लोगों तक हम पहुँच पाएँ और उन्हें समझा पाएँ कि अब वही साउथ इंडिया के डॉक्टर जिनके पास आप जा रहे थे उन्हें हम यहाँ ले आएंगे, वही ट्रीटमेंट आपको जो वहाँ पे मिल रहा था जिसमें आपको लैंग्वेज बैरियर हो रही थी वो यहाँ पे आके आपके लैंग्वेज में आपको समझा के बोलेंगे, और आपकी हर चीज़, हर तकलीफ के लिए, हर हेल्थ इशू के लिए हम आपके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। पर आप भी आइए हमारे पास, अगर ये प्रयास हमारा जारी रहा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सपना, एक बिल्डिंग खड़ा करना मे भी किसी के लिए भी हो सकता है, पर उसको आगे बढ़ा के लेके चलने के लिए हम सबको साथ रहना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, जो सोच, जो सपने के साथ हम इसको शुरू कर रहे हैं, उस नेक सोच को हमें आगे बढ़ाए लेके जाने के लिए जो लोग तकलीफ में हैं उन तक हम ये चीज़ पहुंचा पाएँ कि वो यहाँ आए। कल भी 9 से 10 डॉक्टर जो साउथ इंडिया से ट्रैवल करके यहाँ तक आ रहे हैं, उनको यहाँ पे सारे पेशेंट को देखने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, वो सुबह 9 बजे से बैठेंगे, कल और परसों पूरा दिन वो अपना समय देंगे। तो उनको आके दिखा के आप उसका पूरा लाभ उठाइए और समझिए कि नहीं, हम सही राह पे हैं क्या, आगे भी आपका ही साथ चाहिए हमें। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत ही अपने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और अगर मैं देखा बोला जाए तो जैसे एलोपैथी एंड नेचुरोपैथी, तो एलोपैथी जो है वो हमारे बाप का प्यार होता है एंड नेचुरोपैथी जो है वो माँ का प्यार का काम करता है। जहाँ एलोपैथी की बात की जाए तो एलोपैथी में भी जैसे हमारे पिताजी होते हैं वो चाहते हैं कि हम ठीक हों, इसलिए वो स्ट्रेट रास्ता अपनाते हैं तो हम जी फाड़ की तरफ जाते हैं। अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो वो एक माँ का प्यार होता है जिसमें माँ हमें समझा के प्यार से चीज़ों को ट्रीट करवाती है। उसी तरीके से नेचुरोपैथी के अंदर में हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं बिना किसी दवाई के, उनको जागरूक करते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो 60-70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उनको काफ़ी बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों को जो एलोपैथी में नहीं ठीक कर सकते बिकॉज उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उन बीमारियों को हम नेचुरोपैथी में ट्रीट करते हैं। इट इज एक्सट्रीम प्रेशर, आई वेलकम यू ऑल on behalf of the Guru Gobindram Hospital and introduce myself as Chief Operating Officer for the hospital to fulfill the dreams and vision of our Guruji. We assure you the best treatment with safe ethical practices. On behalf of the hospital, I welcome you all once again to the hospital. Thank you very much. इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यवस्था होगा। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ OPD की शुरुआत कर रहे हैं, आज से 1-1.5 महीने बाद हम इन पेशेंट भी शुरू करेंगे। अभी पैथोलॉजी, फार्मेसी, OPD ये शुरुआत हो रही है कल से। 1-1.5 महीने में जब हमें समझ में आएगा कि नहीं, हम बाकी डॉक्टरों को भी यहाँ पे ला के इन पेशेंट सर्विस शुरू कर सकते हैं तब हम शुरुआत करेंगे। अन्य अस्पतालों से आप लोग क्या अलग सुविधा दे पाएंगे या कुछ ऐसा जिससे आम लोग जो है, हम किसी से यहाँ पे कम्पीट करने के लिए नहीं है, हम इसीलिए सबको अच्छा इलाज मिले उस भरोसे के साथ, कोई भी मतलब कोई हमारे अस्पताल में आया और उसी की सर्जरी करना जरूरी है इस सोच के साथ हम नहीं आए, तभी हमने नेचुरोपैथी और योगा को भी हमारे साथ लाया है। तो अन्य अस्पताल भी श्रेष्ठ है और हम हमारे हिसाब से जो बन पाएगा वो करेंगे। आपने कहा कि हम हैं, आखिर डिफरेंट क्या आप में? हम लोग देखते हैं कि इन दिनों प्राइवेट के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा, एक एक दिन का बिल 1,00,000 रुपये बन रहा, तो लोग कैसे फेथ कर पाए कि ये काम आप प्रॉपरली एक कॉस्ट पे करोगे? सर देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, पहली चीज़ तो हम प्राइवेट नहीं हैं, हम एक ट्रस्ट के अंडर में हैं, और दूसरी चीज़ है अगर हमें ये लगता कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या 1,00,000 रुपये का बिल करने आ रहे हैं तो फिर तो हमारे लिए एलोपैथिक क्लिनिकल सर्विसेज काफ़ी थी कि कोई भी आए उसको हम सीधा ये बोले कि सर आपकी सर्जरी करनी है। पर हम ये सोच रहे हैं कि जो कोई आएगा अगर उनकी बॉडी नहीं ले पाए सर्जरी या उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उनको नेचुरोथेरेपी भी बता सकते हैं। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बता रहे हैं आप? ये एक ट्रस्ट के अंदर हॉस्पिटल है, इससे मरीजों को क्या सुविधा मिलेगी अन्य हॉस्पिटलों की तुलना?
अन्य हॉस्पिटल के तुलना में क्या सुविधा मिलेगी ये नहीं बता पाऊंगा, ये बता पाऊंगा कि हम क्या क्या सुविधा दे पाएंगे। अच्छा चलिए, क्या दे रहे हैं बता दिए, क्या क्या सुविधा? हम यहाँ पे सुविधा में ये दे सकते हैं कि जैसे हमारे हर महीने बाहर से कुछ डॉक्टर्स आएंगे, अगर मरीज कोई स्पेसिफिक मरीज रहता है कि सर हम उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो हम यहाँ से बैठ के उस डॉक्टर से कनेक्ट करके उनसे बात करवा देंगे। अगर कोई भी मरीज बैंगलोर या हैदराबाद जाके ट्रीटमेंट करवा के आया और फिर से डॉक्टर तक नहीं पहुँच पा रहा, वो अगर हमारे पास आए तो हम उनको भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवा के, सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है कि पोस्ट ट्रीटमेंट उनको सही इलाज या सही गाइडेंस नहीं मिलता। बहुत सारे मरीज जो यहाँ पे आने के बाद ये जानना चाहते हैं कि सर पूछना भूल गई थी कि सर्जरी के बाद खटाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते। छोटा सा सवाल है पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पे टिकी हुई है, तो हम वो राइट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 100 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन किया वो लिखा हुआ है उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी? 50 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्जेस है और 50 रुपये डॉक्टर्स फीस ले रहे हैं हम लोग। उसमें पेशेंट आएंगे तो पेशेंट को डॉक्टर, जो बाहर से जो डॉक्टर आए हुए हैं वो देखेंगे और वो गाइड करेंगे। किस किस मर्ज का इलाज होगा इधर, उन किन किन मरीजों का? स्पेशलिटीज डॉक्टर्स कम फ्रॉम बेंगलोर, हैदराबाद एंड चेन्नई। सो फॉर टू डेज कैम्प वी आर एक्सपेक्टिंग 500 एटलीस्ट 500 पीपल पर डे। So for them we will be doing the OPD and after what and all specialties we have dermatology, then general surgery, gynecology, pediatrics, almost all departments we are handling now. And after 2 days we will be running the OP, and once the work is completely over we will start with the all basic requirements like including all the setup like MRI, CT, operation theaters, everything. You also touch the cancer patient? Yes, we have exclusively a cancer clinic here. Like we have the mammography unit, we have the detection unit, cancer detection unit, all the laboratory machines done here. So we have all panels working under here. How many doctors here? Doctor, we have currently almost 10 doctors now for the camp, and once OP is on, we'll be concentrating on more doctors.